संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मैं मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे पर लिपट कर जाए। वरिष्ठ बीजेपी नेता तथा उत्तर प्रदेश पूर्वतन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह परलोक 99 वर्ष बयसरे लखनऊ रे पीजीआई हॉस्पिटल रे देहांत होईछि। दुईथर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री तथा राजस्थान राज्यपाल थिबा कल्याण सिंह राजनीति रास्ता रे सबुबेले आगुआ थिले। से 35 वर्ष बयसरे प्रथम थर पई जणे विधायक होईथिले। कल्याण सिंह आरएसएस रे सदस्य होई निजर राजनैतिक करियर आरंभ करबा सह देशर बृहत्तम राज्य उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री होते 1980 जेतेबेले बीजेपी गठन हला सेतेबेले कल्याण सिंह को दलर राज्य साधारण संपादक करा जायतिला। अयोध्या राम मंदिर आंदोलन में प्रमुख भूमिका ग्रहण करते कल्याण सिंह आंदोलन में गिरफ होबा परे परवर्ती समय तीव्र होता राम मंदिर अभियान आंदोलन बेले भावमूर्ति राम भक्त परी होता। जून 1991 बीजेपी संपूर्ण संख्या गरिष्ठता सहित उत्तर प्रदेश में सरकार गठन करिथिला। एथिरे कल्याण सिंह गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करने सह मुख्यमंत्री करा जायथिला। से 69 वर्ष बयसरे यूपी रो मुख्यमंत्री होइथिले। उत्तर प्रदेश में कल्याण नेतृत्व में बीजेपी एकक बृहत्तम दल भाव उभा होइथिला। बाबरी मस्जिद भांगिबा परे कल्याण सिंह जणे बड़ हिंदू नेता होइथिले। कल्याण सिंह नेतृत्व में बीजेपी उत्तर प्रदेश अनेक दिग्क छुईला। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह मूलद्वा बीजेपी को मजबूत करिपारे सहायक होता। 2014 लोकसभा निर्वाचन में से बीजेपी पाई बहु प्रचार करते। यूपी में 80 लोकसभा आसन मध्य बीजेपी 71 लोकसभा आसन जितबारे सक्षम होता। 2014 बीजेपी क्षमता को आसवा पर कल्याण सिंह को राजस्थान राज्यपाल करा से हिमाचल प्रदेश राज्यपाल अतिरिक्त दायित्व तुलाई से दीर्घ समय धरी अस्वस्थ रही आसुले। प्रधानमंत्री मोदी मृत्यु समवेदना जनई कल्याण सिंह भारतीय राजनीति में सबुबले जीवित रहिबे। कल्याण सिंह परलोक देशर अनेक विशिष्ट व्यक्ति शोक व्यक्त करिछन्ते। चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा हो चाहे देश की संसद हो वो हमेशा दबे कुचलों का आवाज उठाते रहे पिछड़ों का आवाज उठाते रहे और उनका कमिटमेंट श्री राम जन्मभूमि के लिए हमेशा रहा। उनके जाने से एक बहुत बड़ी रिक्तता बनी है और एक लंबे समय तक ये रिक्तता को भर पाना मुझे संभव नहीं लगता है। वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह जी के निधन पर मैं शोक व्यक्त करता हूं। उनके निधन से आज हमने एक ऐसा विराट व्यक्तित्व खो दिया जिसने अपने राजनीतिक कौशल प्रशासनिक अनुभव और विकासशील दृष्टिकोण से राष्ट्रीय स्तर पर अमिट छाप छोड़ी है। माननीय कल्याण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में बल्कि सारे देश में पार्टी को खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान किया। ये पार्टी की बहुत बड़ी क्षति है अपूर्णीय क्षति है। उम्र कम थी अनुभव कम था लेकिन उन्होंने बहुत सम्मान दिया और बहुत देश विदेश की उत्तर प्रदेश की राजनीति की भी चर्चा की। कल्याण सिंह जी का निधन मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक अपूर्णीय क्षति है लेकिन भारत की राजनीति में जो पिछड़े वर्गों को व्यापक आधार मिला और वो भी भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी में उसके लिए कल्याण सिंह बहुत बड़ा कारण बने। वो राम भक्त थे राष्ट्रभक्त थे। अपूर्णीय क्षति हो गई है मेरे को हो गई है पिछड़े वर्गों को हो गई है हिंदू समाज की हो गई है राम भक्तों की हो गई है उस जगह को कोई नहीं भर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।